अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका उस्मा मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया में पांच सबसे अमीर तरीन खिलाड़ी कौन कौन से हैं। क्रिकेट, पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे अमीर तरीन खिलाड़ी पांच कौन कौन से हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे अकाउंट को फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो सबसे शुरू करते हैं, सबसे फाइव नंबर पर आते हैं तो वो हैं ब्रेन लाड़ा। क्या ही बैट्समैन थे ब्रेन लाड़ा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, क्या ही पावर हिटर थे। तो अगर उनके नेटवर्क की बात की जाए तो उनकी नेटवर्क है 60 मिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपीस बनती है 17 अरब रुपीस। और अगर आप चौथे नंबर की बात की जाए तो वो चौथे नंबर पर आता है रिकी पॉइंटिंग। क्या ही बैट्समैन थे रिकी पॉइंटिंग, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे, पांच वर्ल्ड कप उसने जिताए भी हुए हैं, कौन कौन नहीं जानता उन्हें। तो अगर उनकी नेटवर्क की बात की जाए, उनकी नेटवर्क है 70 मिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपीस बनती है 25 अरब रुपीस तकरीबन। तो तीसरे नंबर पर जो आता है वो है हम सब का बेस्ट खिलाड़ी विराट कोहली। कौन नहीं जानता उनको, तो तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बैट्समैन ही ऐसे थे। तो अच्छा, अगर उनकी नेटवर्क की बात की जाए, उनकी नेटवर्क है 92 मिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपीस बनती है 38 अरब रुपीस तकरीबन। अच्छा, जो दूसरे नंबर पर आता है वो है हम सबका बेस्ट कीपर MS धोनी। क्या ही कीपर था, क्या ही बैट्समैन था, क्या ही हेलीकॉप्टर शॉट का मास्टर था। अगर अच्छा उनकी नेटवर्क की बात की जाए तो उनकी नेटवर्क है 110 मिलियन डॉलर्स, जो गए पाकिस्तानी बनती है कोई 55 अरब रुपीस। तो पहले नंबर पर आता है दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन, पहले नंबर पर जो है वो है सचिन तेंदुलकर। क्या ही बैट्समैन था, इंडिया की तरफ से खेलता था, क्या ही बैट्समैन था। हमेशा उसकी सेंचुरी रह जाती थी, 99 स्कोर पे आउट हो जाता था बेचारा। अच्छा, अगर उनकी नेटवर्क की बात की जाए तो उनकी नेटवर्क है 117 मिलियन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी रुपीस बनती है 70 अरब रुपीस तकरीबन, 70 अरब रुपीस। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आगे वीडियोस में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।